हेलो गाइस, बैक अगेन। तो आज है नेक्स्ट डे। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटी साइड घूमने के लिए। और कल हम लोग फर्स्ट टाइम मोटो ब्लॉग ट्राई किए थे, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहो। तो चलो पहले बाइक पे चलते हैं। तो गाइस, हम लोग निकल गए हैं अभी अपने मोटो ब्लॉग के लिए। अब हम लोग का मोटो ब्लॉग स्टार्ट होता है। तो हम अभी जा रहे हैं मुकेश का कॉलेज। कौन सा कॉलेज जा रहे हैं भाई? इधर फोटो फिट हो रहे हैं। कुछ पूछा मैंने कुछ। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं अभी दुर्गा कॉलेज रायपुर। तो चलो पहले दुर्गा कॉलेज चलते हैं, उसके बाद में हम कहीं घूमने उमने राइड वाइड पे जाएंगे छोटे से। बस वीडियो पे बने रहो, आप लोगों को मज़ा आएगा शायद नहीं। तो चलो वीडियो करते हैं कंटिन्यू। मैंने कल अपने लाइफ का पहला मोटो ब्लॉग शूट किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे आ रहा है, जाके देख लो। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला? रुको जरा, सबर करो। उस ब्लॉग में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिला वो आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहें। तो चलो थोड़ा सा राइड का मजा लेते हैं। सो गाइस, जिस टॉपिक पे वीडियो हो रहा था उस टॉपिक से मैं इधर उधर थोड़ा सा हो गया था। तो आते हैं मेन टॉपिक में। तो मोटो ब्लॉग बनाने में मुझे क्या क्या परेशानी फेस करने को मिला वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हेलमेट में जब हम लोग मतलब फ़ोन को अटैच करते हैं, इधर जाना हो गस, मतलब हेलमेट में हम लोग फ़ोन को अटैच कर देते हैं तो हेलमेट बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, जिसकी वजह से मोटो ब्लॉग करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। मतलब हेलमेट बार बार नीचे आ जाता है, उसके बाद में गले के पास भी दर्द होने लगता है। मतलब बहुत ही प्रॉब्लम है, बार बार एंगल सेट करो, कभी कभी लगता है कि वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिखता नहीं है ढंग से। मतलब बहुत ही सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं लगा मेरे को तो। अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें से आराम से हम मोटो ब्लॉग कर सकते हैं। इसमें चलें, रूम चलेंगे क्या? रूम चलें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात, अगर विदाउट माइक सेटअप के आप मोटो ब्लॉग बनाओगे तो वॉइस वगैरह बहुत ही ज़्यादा मतलब तो अच्छे से नहीं आएगा। जैसे मेरे कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि विंड ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, मतलब हवा का नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। तो माइक लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोई गोप्रो से करो या फिर फ़ोन से करो, बिना माइक के तो मोटो ब्लॉग पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, बाकी उतना अच्छे से वॉइस आएगा नहीं। अगर आप 20-25-26 के स्पीड में भी जाओगे तो भी विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आएगा, नॉइज़ बहुत ज़्यादा कैप्चर होता है। तो अगर स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छे से मतलब माइक वगैरह सेटअप कर लेना, उसके बाद ही स्टार्ट करना। मेरे पास तो वो सब जुगाड़ नहीं था, इसलिए मैं ऐसे स्टार्ट कर लिया। और कोशिश करना कि थोड़ा सा हल्का हेलमेट लेना, ज़्यादा भारी हेलमेट मत लेना। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला होगा। तो हम लोग जा रहे हैं रोम। चलो फिर ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं, फिर चिल करते हैं, फिर राइड करते हैं। ओके, बाय बाय।